पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है हमारी इंडिया के पीछे हम जहां भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे, फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल वाले हमारे बॉलरों का सामना कर, तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। उनके में इतना दम ही नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये है उनको आना चाहिए, तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। हम उनके उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने कदम वो तो पक्के करने चाहिए ना मोहसिन नकवी को। थोड़ा सा जैसे पहले वर्ल्ड कप का जब टाइम आया था तो तभी पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे खेलने, आप आएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन ICC ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि आप जाएँ। तो वो बिग थ्री है, उनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। BCCI के पास इतना माल है कि वो ICC को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती है। इंडिया के लिए एक शेर बोला है और एक शेर कहना चाहता हूँ। पहली गल है तेनू दिल ना दें, जे दिल दिता सी ते ढिल ना दें, कसम खुदा दी तेरी था कोई होर होंदा छिल ना दें। दुनिया आ रही है, ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, वो सनी देओल कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आए ना, हमने कोई उनके साथ जंग थोड़ी करनी है। मैच है, क्रिकेट आप खेलें अपने घर जाएं। इंडिया हमेशा अपना नेगेटिव रोल प्ले करता रहा है, क्योंकि आप देखें अगर वो हमारे कंट्री को एक एज अ टेररिस्ट कंट्री समझते हैं या एज अ अनसेफ कंट्री समझते हैं तो हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है ना, एटलीस्ट हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है। हमारे प्लेयर को IPL में क्यों नहीं खिलाया जाता, क्योंकि इंडिया का हमेशा नेगेटिव रोल रहा है। कहीं पे भी जाना है उन्होंने कहना कि हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं खिलाना। जब उन्होंने दावत दी थी ना हमारा पाकिस्तान गया था, आपको सब पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान इंडिया में जाके मैच खेला है, ठीक है, तो उनको भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहली बात यह है कि मैं इंडिया से बात करूँगा, उनके में इतना दम ही नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये है उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है, देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी, ठीक है। उन्होंने यही बात किया कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेले पाकिस्तान नहीं आया तो हम उनके साथ कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, अगर वो नहीं आते, क्योंकि दावत दी है पाकिस्तान गया उनके घर में जाके वो खेल के आया, बल्कि उनके घर में इंडिया में उन्होंने दावत दी थी पाकिस्तान गया उधर खेल के, उनको भी आना चाहिए, ठीक है। इधर ऐसा कोई मसला नहीं, जब सिक्योरिटी दी जा रही है, हुकूमत उनका पूरा तामन कर रही है, पूरी टीम को सिक्योरिटी अच्छी तरह। आप देखे आप वेस्ट इंडीज के भी प्लेयर आए थे, PSL इंग्लैंड आई अभी रिसेंटली, वो भी आए हैं, सारी दुनिया आ रही है, ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, वो सनी देओल कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आए ना, हमने कोई उनके साथ जंग थोड़ी करनी है। मैच है, क्रिकेट आप खेलें अपने घर जाएं, बात खत्म। इतने नहीं लगता सिक्योरिटी इशू है, ये सारे सियासी मसले हैं। वो सियासी मसले वो इस तरह देख लें आप के अब ये हमारा एक ही लीडर था जिनको इन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया। मैं तो मोहसिन नकवी को नहीं समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता हूँ, ठीक है। आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, वो वजीर आला भी रहा, मैं तब भी उसको कुछ नहीं समझता था, ठीक है, क्योंकि वो मैं उसके बारे में बुरा लफ्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो सैयदजादा है, ठीक है। सैयद को कोई भी ऐसी बात जो अल्लाह नाउज़ बिल्ला हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सैयदजादा है, अगर सैयद ना होता तो उसकी मैं बहन में एक करता, ठीक है, तो उसको इसी वजह से माफ़ी दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ये जो नवाज शरीफ देख लें, शहबाज शरीफ अगर हुकूमत की तरफ आप आ रहे हैं, हुक्मरानों की तरफ अगर आप आ रहे हैं, उनकी तरफ देख लें, इधर हमारे मुल्क में क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। एक लीडर उसको उठा के जेल में फेंक दिया है, वो अपनी आवाम के लिए उधर जल रहा है बैठ रहा है, वो कह रहा है भाई मेरा मरना जीना पाकिस्तान में, ये होता है लीडर, ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस दिन का मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में लीडर देखा है तो वैद इमरान खान देखा है, ठीक है, पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में मर रहा है, सब कोई नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, वो कह रही है अब वो उन्होंने चार बंदे खड़े किए हैं, वो बैनर लगाया हुआ था नवाज शरीफ के, वो नारे लगा रहे थे जो उनके टट्टू पर है थे, वो कह रहे थे ये तो होगी ना सियासी बातें। आपको क्या लगता है, क्या PCB अपने मौकफ पे कायम रहेगा या हमेशा की तरह यूटर्न ले लेगा? वो यूटर्न लेंगे, नून लीग वाले हैं ना, चोर हैं, चोर कभी अपनी जुबान पे खड़ा हुआ है? चोर की कोई जुबान नहीं होती, वो यूटर्न लेगा, पैसा वो डॉलर जब नजर आएंगे वो भाग जाएगा।
हाइब्रिड मॉडल होगा जी। अगर वो अपने कदमों पे कायम हो जाता है, खड़ा हो जाता है, अपनी जुबान पे पक्का रहता है, फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा नाम रोशन हो जाएगा। हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर ही नहीं सकते, मजा ही नहीं आना जी। ऐसे ही उसके साथ हमारी जंग होती है ना, मैच तो उनके साथ जब भी छोटे से बच्चे से देख ले, वो छुट्टी करके बैठ जाता है काम से। जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, पाकिस्तान तो बड़ी खुशी के साथ उस दिन छुट्टी करके अपने वो टीवी साहब जिनके सड़े होते हैं या खराब होते हैं, वो बड़ी खुशी से दो दिन पहले जाके दुकानों पे जाके टीवी ठीक करवाते हैं। पता है आईसीसी को 80% जो बजट है वो बीसीसीआई देता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई का आईसीसी मानेगा भी। वो पता नहीं अब ये मोहसिन नकवी देख लेना, पैसों की बात है, ये बिक जाएंगे। अच्छा। इन्होंने अपनी जुबान पे नहीं कायम रहना, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के जितने लोटे हैं सारे चोर हैं, ठीक है, इनकी कोई भी देख, मुझे एक बंदा दिखा दे, वो जा रहे हैं बेड़ियों में कश्तियों में। एशिया कप वाला हाल होगा चैंपियन ट्रॉफी का, बुरा हाल होगा जी। क्रिकेट हमारे है पहले कौन सा हाल है, पहले कोई हाल है, उधर मैच हुए हैं, वनडे हुए हैं, जितने भी सीरियस मैच हुए हैं, आप मुझे वो टूर्नामेंट हुआ है वर्ल्ड कप उसमें मुझे दिखा दो, कोई भी नहीं है। बस पैसा वो प्लेयरों से लेके ऊपर तक जितने हैं सारे लुटेरे चोर बैठे हुए हैं। इंडिया वाले क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में स्क्वालिटी नहीं है। अच्छा। स्क्वालिटी के अलावा हमारे पाकिस्तान में अच्छी पिच नहीं है, अच्छी वार्म नहीं है। क्यों हमारी वार्म उनको तावन नहीं करती, क्यों तावन क्यों नहीं करती, क्योंकि हमारी वार्म पागल हुई है। यहाँ आटा घी चीनी हर चीज महंगी है। नहीं मैं ये भी बात करूंगा, मैं वीडियो बांधना करना, आपने क्रिकेट का सवाल किया ना, मैं भी करूंगा। पाकिस्तान में सबसे पहले घी था 400 रुपए किलो। अच्छा। अब हो गया 600 रुपए किलो। पेट्रोल पीछे से सऊदी अरब ने 30 रुपए कम किया। यहाँ इन्होंने जो हमारे नून लीग के सरबराह वजीर आला मरियम नवाज शरीफ, जो इसने स्पेशल जांच करा के अमरीका गई है अपना इलाज करवाने के लिए, क्यों गला खराब है, लंदन गई है, दो गोलियां ले पैराडोन की, इधर से इलाज हो जाता है उसने। अच्छा, स्पेशल हमारी इस घी का, इस पेट्रोल का क्रिकेट से क्या ताल्लुक वास्ता? इसका ताल्लुक यह है कि हमारे पाकिस्तान में वो कोई भी नहीं है, तो वो हम नहीं देख रही, इधर पाकिस्तान को खुद नहीं कोई समझ सकता, क्योंकि हम ये तो आपकी समझ नहीं आ रही। मेरी समझ क्यों नहीं आ रही, यहाँ आटा महंगा, चीनी महंगी है, यहाँ छक्का बजता है, चौका बजता है, कोहली आउट होता है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ये पाकिस्तान हमारा बुला गया, हमारे खून पसीने से जैसे ये पाकिस्तान चल रहा है, हमारी गन से हर चीज टैक्स जा रहा है, किस भी का टैक्स जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, हमें वो उसके पीछे मरियम नवाज शरीफ के पीछे 100-100 गाड़ियाँ निकलती है, हमारे पीछे कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों हम पाकिस्तान की वाम में, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, इसमें बढ़ेंगे, इसमें जाएंगे। एशिया कप हो, ट्रॉफी हो, अंकार ही करती है, क्योंकि वो पाकिस्तान में वो अच्छा नहीं समझते। अच्छा। क्योंकि उनको इधर आना ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है जो हर मुल्क में जाके खेलता है। इंडिया को भी चाहिए इधर आना खेला। मैंने इंडिया के लिए एक शेर बोला है और एक शेर कहना चाहता हूँ। पहली गल है तेनू दिल ना दें दे। जे दिल दिता सी ते ढिल ना दें दे। कसम खुदा दी तेरी थां कोई होर होंदा छिल ना दें दे। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है आज़ाद मुल्क है, ये हर मुल्क, मैं ये आपको कहता हूँ, इंडिया में कराएं चैंपियन ट्रॉफी। अच्छा। पाकिस्तान उधर जाके चैंपियन ट्रॉफी आएगी और इंशाल्लाह आएगी और कप लाके हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने भी बोला कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है जिसकी वजह से इंडिया नहीं आ रहा। हमें तो उन्हें तमाम तरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं, VVIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हमने यहाँ तक बोला कि अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप लाहौर में आएँ, चैंपियन ट्रॉफी खेलें कज़ाफी स्टेडियम में और वापस चले जाएं। बिल्कुल आपकी बात राइट है। आपने इसका उनको, हमारी पाकिस्तान सिक्योरिटी आर्मी उनको इतना प्रोटोकॉल दे रही है, उनका चाहिए इधर आना चाहिए, खेलना चाहिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान जो फौज है, जो आर्मी है, जो रेंजर है, वो इस टाइम सब मुल्क से नंबर वन है। इनको इतना सूरत हाल में दे रही हैं, इसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनका आना बनता, लेकिन उनका ही जो से है ना, उनके अंदर मैं है, क्योंकि उसकी जो क्रोली विराट कोहली है और जो उसका जो भी है, ये पाकिस्तान में आने से डरते हैं। क्यों? पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना,
ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है हमारी इंडिया के पीछे हम जहां भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे, फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल हमारे बॉलरों का सामना कर, तू कहता ना मैं नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 साल से ज्यादा नहीं बना सकता, क्यों? ये हमारी जबान है तुमसे, आओ हमारी पिच में खेलो, अगर तुम्हें स्कॉल्डी, हम तुम्हें स्कॉल्डी भी देंगे, तुम्हें आर्मी भी देंगे, फौज भी देंगे, तुम्हारे पर कोई टच भी नहीं करेगा, हमारी पाकिस्तान की ये जबान है आपसे, आओ खेलो। ये कैंसिल तो नहीं होती, इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तो पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। तो इसका यह है कि जो इंडिया की टीम है वो बिग थ्री है, तो इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी आईसीसी को या पीसीबी को खरीद सकते हैं, उसमें इतना दम है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डटा हुआ है। मोहसिन नकवी ने भी कह दिया कि हम नहीं आएंगे, देखिए अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी ना जाए, अगर इंडिया नहीं आती तो फिर भी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया के बगैर कैसे करवाएंगे चैंपियन ट्रॉफी, सवाल ये। अभी आपने बोला कि इंडिया बिग थ्री में आता है, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के मैच की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पैसा भी नहीं कि जो मैचेस में कमाया जाता है, तो कैसे मुमकिन है सर हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा लें? हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने कदम वो तो पक्के करने चाहिए ना मोहसिन नकवी को, थोड़ा सा जैसे पहले वर्ल्ड कप का जब टाइम आया था तो तभी पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे खेलने, आप आएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि आप जाएँ, तो वो बिग थ्री है, उनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, बीसीसीआई के पास इतना माल है कि वो आईसीसी को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती है, लेकिन मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी ने अच्छा बोला है कि उन्होंने बोला है कि हम आपके बगैर भी करवाएंगे, करवा तो नहीं सकते जाहिर बात है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें डरा तो सकते हैं कि आपके बगैर हम क्रिकेट खेल सकते हैं। आपको लगता है हमारे डराने से इंडिया डर जाएगा? इंडिया डरेगा तो नहीं, लेकिन और भी मामला क्लियर करके इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए। ये इंडिया की टीम की पाकिस्तान में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके जो प्लेयर हैं विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान होस्ट करेगा तो इंशाल्लाह उन्हें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा उन्हें मैच खेल के, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में आएगी। सर हमें भी नहीं उम्मीद कि इंडिया पाकिस्तान में आएगी, और मुझे ये लगता है कि एट द एंड होना ही है कि हमने हमेशा की तरह इंडिया के आगे अपने घुटने टेक देने हैं और हमने हाइब्रिड मॉडल करवा लेना या श्रीलंका में हो जानी है इंडिया के मैचेस या